बता रहे हैं भिलाई से, जहां भिलाई इस्पात संयंत्र में गैस रिसाव हुआ है। डीजीएम समेत 6 कर्मचारी इसमें प्रभावित हुए हैं। प्रभावितों को सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 8 में देर रात गैस रिसाव हुआ। भिलाई के भिट्टी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंद्रकांत दिवाकर, स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता, हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। चंद्रकांत, क्या अपडेट्स इस पर मिल पा रहे हैं? देखिए, बताना चाहूंगा कि ये जो घटना देर रात की बताई जा रही है, यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस 8 में जो है 6 कर्मचारी काम कर रहे थे, उस दौरान ये रिसाव हुआ, जिसमें 6 कर्मचारी समेत एक डीजीएम घायल हो गए, जिसमें उनको तुरंत उपचार के लिए सेक्टर 9 के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर एक जो है उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि प्रबंधन की तरफ से अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किए गए और ये तमाम जो है ये जांच का विषय है कि आखिर किस तरह की तकनीकी कारणों की वजह से ये गैस का रिसाव हुआ है। इससे पहले भी लगातार भिलाई स्टील प्लांट में 2 बार जो है गैस के रिसाव की वजह से कई मौतें हो चुकी है, लेकिन प्रबंधन जो है अब तक इससे कोई सबक नहीं लिया और एक बार फिर से ये घटनाक्रम देखने को मिला। तो मतलब कहीं ना कहीं लगातार जो आरोप लगाया जा रहा था कि अप्रशिक्षित लोगों से काम लिया जा रहा, ठेका श्रमिकों से काम लिया जा रहा, पुरानी मशीनों में अब तक कोई मरम्मत का काम नहीं किया जा रहा, तो माना जा सकता है कि इन्हीं सब वजहों से फिर से घटना हुई और भविष्य में एक ऐसी बड़ी घटना फिर से दोहराई जा सकती है अगर उसके पूरी तरह से इंतजाम नहीं किए गए। तो प्रबंधन की लापरवाही लगातार एक के बाद एक उजागर हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच आपको